आपको भी कांटेक्ट किया जा रहा होगा निश्चित रूप पर, और हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तमाम प्रोटेस्ट साइट्स की नेतृत्व हमारे महिलाओं ने की, और आज उन महिलाओं की कुर्बानी और त्याग जिसके आधार पर देश भर में जो एक आंदोलन फैला और जो संविधान और जनवाद के प्रति हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, आज हमारी बहनें जो अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स पर हैं वो टारगेटेड हैं। आज खुरेजी में जो साइट है, आप लोग गए होंगे, आज वो साइट पे जो हमारी नेतृत्वकारी वहाँ, नेतृत्वकारी माने जो कलेक्टिव रहा वहाँ, आज वो खुरेजी पर हमला करके पुलिस ने जबरदस्ती वो पूरा तंबू वगैरह तोड़कर आज उनको जेल में लेकर गए हैं। इस प्रकार बहुत सारी जगह चांदबाग में जहां महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठी थी, इस तरह तमाम इलाके में आज महिलाएं टारगेट पर है, और जो सेक्सिस कमेंट्स, जो सेक्सिस गालियां यहां दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, और कहीं कहीं कुछ सेक्शंस ऑफ पुलिस वो भी शामिल है, ये हमारे विरोध का आज इस मंच से मैं समझती हूँ उन बहनों के साथ हम एकजुटता सिर्फ प्रकट नहीं, प्रैक्टिकली हम क्या मदद कर सकते हैं, ये आज हमें एक स्ट्रेटजी बनाकर वहाँ हमें उनके साथ देने की आज हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो कर्फ्यू लगा हुआ, आज सुबह मैं जीटीबी नगर गई थी, और उसके बाद वहाँ कुछ इलाके में जहाँ जहाँ हमारे साथियों ने वहाँ कुछ पीस कमिटीज़ बनाने का प्रयास किया, वहाँ हम जाने का हमने प्रयास किया। जब हम जीटीपी नगर अस्पताल में थे, वहाँ घायलों से मिल रहे थे, वहाँ हमारे आँखों के सामने तीन बहुत गरीब मजदूर जो दैनिक मजदूरी करते हैं, बहुत बुरी तरह घायल की स्थिति में उनको वहाँ लाया गया था, और हम लोगों ने जब उनसे पूछा, डॉक्टरों के साथ मिलकर जब हमने पूछा, उन्होंने बताया कि आज सुबह 5 बजे जिस इलाके में ऐलानिया कर्फ्यू है, जिस इलाके में लोग कहते हैं कि पूरी पुलिस तैनात है, वहाँ उस इलाके में जब ये साथी निकल रहे थे तो एक बड़ा ग्रुप जो लोहे की रॉड डंडे हाथ में लेकर गोंडा की चौराहा पर खड़े होकर उनको पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है, उनको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ के हो, उन्होंने जब बताया, जब पता चला उनका कौन सा धर्म है, उनको रोककर बहुत बुरी तरह लाठी से, आयरन रॉड से उनको जान किसी तरह वो वहाँ से निकल गए, लेकिन आज वो अस्पताल में दाखिल है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज अमित शाह जो कह रहा है कि कर्फ्यू लग गया है और सब कुछ सामान्य है, ये सरासर झूठ है। आज कर्फ्यू की कवर में अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास तमाम सूचनाएं आ रहे हैं, लोग ग्रुप्स बनाकर अंदर घुस रहे हैं, कई इलाके में वो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, और उन लोगों को उस इलाके को छोड़कर कहीं और सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए मैं समझती हूँ हमें सबको मिलकर या प्रस्ताव पारित करके हमें डिमांड करना चाहिए कि जब पुलिस फेल हो गई, जब पूरे तौर पर गृह मंत्रालय फेल हो गया है, तो निश्चित रूप पर आज हम वो हालत नहीं देखना चाहते हैं कि कर्फ्यू के नाम पर दिल्ली की पुलिस मिलीभगत करके वहाँ एक विशेष माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ये हमें रोकने की ज़रूरत है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, हमने ये आज प्रस्ताव पारित कर दिया, मुझे मालूम नहीं आप उसमें सहमत है कि नहीं, आप देख लीजिए आप किस रूप में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इलाके में जो आज भी वहाँ पुलिस के कारण ये सब चल रहा है, वहाँ फौज के अलावा, मैं जानती हूँ आर्मी का क्या रोल है, लेकिन इस समय हमें सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ आर्मी को भेजना चाहिए कि नहीं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ,
कि हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय हमारी जिम्मेदारी को हम किस रूप में ले रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अभी जो डिस्टर्ब्ड इलाके हैं, जो जानबूझकर हमारे वो शांतिपूर्ण संघर्ष जो NTCA था उसको एक सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया, और इसमें भी हमें अपने को कम से कम किसी तरह भ्रमित नहीं होना चाहिए, वो काफी हद तक जो वो नहीं कर पाए आज तक, एक सांप्रदायिक रंग देने का उन्होंने प्रयास किया और कुछ हद तक वो आगे बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग जहां जहां हमें रहते हैं, ये मत सोचो मेरे प्रिय साथियों, हमारी समझ है ये, और उसी के रूप में हम काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में हमने कई इलाके निश्चित किया है जहां नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिन लोगों के पास ये BJP और RSS नफरत की बीज बो रहे हैं, वो दिल्ली की जनता है, वो नहीं है सांप्रदायिक दंगों में, वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में अशांति हो, लेकिन उनके पास हमें पहुंचने की सख्त जरूरत है। और इसीलिए हमें सबको जहां जहां हमारा बेस है, जहां जहां हमारे कॉन्टैक्ट्स है, मजदूर वर्ग की बस्तियों में जहां हम लोग काम करते हैं, ट्रेड यूनियंस हो, महिला संगठन हो, छात्रों युवा संगठन हो, NGOs हो, सामाजिक आंदोलन हो, मेरे प्रिय साथियों, हमारी समझ के मुताबिक हमें दिल्ली में अलग अलग जगह में जिम्मेदारी लेकर एक पर्चा निकाल कर जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स हमारी जो है कि दिल्ली में संयोजित ढंग से सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास है उसको लेकर हमें जाने की जरूरत है। हमने पिछले 5 दिन से हम लोगों ने वो शुरू किया है गाजियाबाद, सैबाबाद और दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन भी है इसके संबंध में, क्योंकि जो उनका प्रचार है और जो डोमिनेंट मीडिया का प्रचार है, जिस रूप पे हमारे संघर्षों को उन्होंने डिमोनाइज करने का प्रयास किया है, ये अनिवार्य है कि हम उनके बीच पहुँचे, इन तमाम इलाके में पहुँचे, और यही हम लोग कर रहे हैं। कल भी हमारे साथी ग्रुप्स बनाकर अलग अलग इलाके में गए हैं, अगर और थोड़ा व्यापक बने, क्योंकि ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, हमारे शहर का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, हमारी जनवाद बचाने का सवाल है, और इसलिए अगर क्योंकि यहाँ तो हम लोग हमेशा एक एको चेंबर के रूप में हम आपस में बात करते हैं और हम आपस में संघर्ष करते हैं, ये ज़रूरी है एक जुटता प्रकट करने के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स का, लेकिन इसके साथ साथ हमें आम जनता के बीच जो हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है, और अगर सब मिलकर जहाँ जहाँ आपकी कोई बेस है, कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ अगर हम जाकर हाउस टू हाउस लीफलेट का बांटने का काम करके हम दिल्ली के अंदर इस प्रकार का प्रचार करें, मैं समझती हूँ कि दिल्ली का जो माहौल है, दिल्ली की जनता में जो कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास है, उस पे हम लोग कामयाब होंगे उनकी साजिश को समाप्त करने के लिए। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हकीकत है, जो स्टेट का रोल है, जो पुलिस का रोल है, जो गृह मंत्री का रोल है, जो होम मिनिस्टर ने हेट मिनिस्टर के रूप में आज वो पूरे देश के सामने अपने को पेश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी इस मीटिंग में आते वक्त एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर ने मुझे बताया, वो एक मिक्स्ड इलाके में रहते हैं, मैं जब उनकी आवाज़, हमारे साथी ने मुझे बताया, जब उनकी आवाज़ उनको आई और सुना, मतलब दुख, गुस्सा, प्रतिरोध, सब कुछ, उन्होंने कहा कि जिंदगी भर हम इंसान बनने का हमने प्रयास किया और इस मौके पर इस समाज ने हमें मुसलमान बनाया। तो ये जो एक फीलिंग है, ये फीलिंग जो हम लोग सब महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, एक हेल्पलेसनेस भी है, लेकिन वो हेल्पलेसनेस
हम हटा सकते हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली की आम जनता के बीच हम लोग सब पहुंचकर इस वातावरण को और ये जो नफरत का पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसका मुकाबला करके दिल्ली एक रहेगा, दिल्ली की सांप्रदायिक सद्भावना एक रहेगी और दिल्ली की हमारे बहादुर बहनों ने जो पूरे इतिहास का एक नया पन्ना लिखा है, उनकी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ जो शाहीन बाग एक सिंबल बना है, उसको बचाने के लिए, उसकी धर्मनिरपेक्ष चरित्र बचाने के लिए हर प्रकार की कट्टरवाद किसी भी धर्म के नाम हो, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। हर प्रकार की कट्टरवाद के खिलाफ एक होकर दिल्ली की जनता के बीच हम लोग सब जो इस शहर को प्यार करते हैं, धर्मनिरपेक्षता जनवाद को हम डिफेंड करने के लिए खड़े हैं, हम लोग अगर इस प्रकार का अभियान चलाए तो वाकई में इस जो संकट की स्थिति है इससे हम लोग उभर सकते हैं, दिल्ली भी उभर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।